हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की हिंदी विशिष्ट का जो प्री बोर्ड का पेपर है उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तो यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो में इस पेपर का कम्प्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक से लेके लास्ट तक की सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा और साथ में चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प जिसमें दिया गया है प्रयोगवाद का प्रारंभ होगा। तो इसका प्रयोगवाद का प्रारंभ ब नंबर का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1943 में। इसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया है, अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है, मतलब कि व्यंग विधा में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब नंबर का आंसर हो जाएगा। इसका भी ब है और इसका भी ब है, यहाँ पर आपके लिए व्यंग लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था। तो जो प्रताप पत्र था वो कानपुर से प्रकाशित होता था। तो यहाँ पे भी आपका बारह नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कानपुर। इसके बाद में है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है। तो इनमें जो वर्णों की संख्या होती है दुर्मिल सवैया में 24 होती है। तो दो नंबर का आंसर सही हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर पाँचवा, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है। तो वो है मालवी। बारह नंबर का आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर पहला जो आपका प्रश्न दिया है, छापते कुटी कहूँ रम्य जमुना की तीर, यह खालिस्तान ने कहा है। तो यह उद्धव ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उद्धव हो जाएगा, इसके लिए लगा लेते हैं। इसके बाद में गजाधर बाबू ने गणेशी से उनकी उसकी बेटियों की शादी खालिस्तान तक करने को कहा। तो यहाँ पर अगन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चार पवित्र धाम वाला राज्य खालिस्तान है, तो वह उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड लगा देती हैं। इसके बाद में जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह खालिस्तान कहलाती है, तो भाषा कहलाती है। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद में है पाँचवा प्रश्न, छप्पा छंद खालिस्तान से मिलकर बना होता है। तो छप्पा छंद उल्लाला व रोला से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आपका पहले वाले का आंसर भर देंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें दिया है सत्य सत्य का चयन करो। तो यहाँ पर आपके लिए पांच दिए गए हैं जिसमें से सत्य सत्य बताने हैं। तो यहाँ पर पहला वाला दिया है, ब्रजभाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुँचाने वाली कवि सूरदास हैं। तो यह सत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद में कविता पढ़ते समय ब्राह्मिया रुकने को तुक कहती हैं, तो यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है, तो यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहती हैं, तो यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद में है लास्ट वाला, जिसमें दिया है लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपान है, तो यह सत्य होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लिए सत्य सत्य लगा लेने हैं। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर चार, यहाँ पर दिया गया सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियाँ पहले आ जाएगा आपका द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे आपके, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यह नंबर का आंसर। इसके बाद में गद्य साहित्य का विकास, तो गद्य साहित्य का विकास, तो यहाँ पर जो आपका गद्य साहित्य का विकास यह हो जाएगा आधुनिक, ठीक है, सा नंबर में यह पहला हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है आपका पहला द्विवेदी युग के प्रवर्तक तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ पर आइए आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका दूसरा और ये हो जाएगा आपका पहला। इसके बाद में क्रांतिकारी साहित्यकार, तो यह कौन थे आपके, गौरीशंकर विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद में पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द कहलाती हैं क्या, वाक्य, तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर का हो जाएगा वाक्य। इसके बाद में है रसराज, तो रसराज कहलाता है श्रृंगार राज को कहती हैं, ठीक है। तो ये पांचवा हो जाएगा रसराज। तो यहाँ पर इन सभी के आपके कॉलम्स जो है मैच करा दिए। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर पाँच में, जिसमें दिया है एक वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पर शांत सकारे चंद्र सूरज किसकी आरती करते हैं, तो भारत माता की, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए भारत माता लिखना है। इसके बाद में है गीता सहित पूरे भारत महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर लोक हृदय को मोह से अलग करना। तो यहाँ पर आपके दूसरे का जो आंसर होगा, मतलब कि गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है मतलब कि लोक हृदय को, लोक हृदय का जो मोह आवरण है उसको दूर करना, ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाला है, किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राम कुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देश सेवा विषय पर, ठीक है, मतलब राम कुमार वर्मा को कविता लिखने पर 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद में आता है आपका अगला प्रश्न है, बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम लिखने हैं।
तो यहाँ पर शहडोल, रीवा और सतना की दो के नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर तीन हैं तो शहडोल और रीवा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में है पाँचवा, जिस काव्य के छंदों का पूर्वा पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में है प्रश्न नंबर छठवा, तो यहाँ पर इन सभी का आंसर्स आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर छठवा, तो इसके लिए अथवा का आंसर लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अथवा का आंसर है, इसके लिए नोट कर लेंगे। मोह सुखद मोल को लीनो या कथन कृष्ण का है, कभी माँ यशोदा से बदलाव की शिकायत करती हैं, ठीक है, वे माँ यशोदा से बदलाव की शिकायत करती हैं, इस प्रकार से इसका आंसर है। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर सात में का आंसर यहीं पर दिया गया है कि रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं, ठीक है, रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हैं, प्रश्न नंबर सात हो जाता है। इसका बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर आठ का उत्तर, तो यहाँ पर आपके लिए सही प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आठवीं का उत्तर है, इसके लिए नोट कर लेंगे, अपनी आंसर शीट में लिख लें। ये प्रश्न नंबर नौवीं का आंसर है, केवट की जीविका का आधार साधन नाव है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है आपका दसवां, ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न नंबर दसवां, इसके लिए लिख लेंगे, साहस के साथ युवा संघर्ष के लिए चल पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार का आपका उत्तर है, तो इसके लिए लिखा आपने। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर ग्यारहवां, तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो को पॉज करते जाना है या फिर स्क्रीन शॉट लेते जाना है। तो भय जब स्वाभाविक हो जाता है तब कायरता या भीरता की संख्या प्राप्त करता है, भयभीत व्यक्ति साहस खो बैठता है, यह हो जाएगा प्रश्न नंबर ग्यारहवीं का आंसर। आपका प्रश्न नंबर बारहवां आता है, यहाँ पर लिखा है कि घर खुलते ही लेखक को लगने लगता है जैसे ताले के साथ उसके भीतर कुछ खुलता जा रहा है, उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर बारहवीं का आंसर लिखा गया है, इसके लिए अपनी आंसर शीट में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर तेरहवीं का अथवा दिया गया है, तेरहवीं का अथवा में आंसर लिखा हुआ है कि अर्जुन के मन में मोह का भाव उत्पन्न हो गया है, उसमें अपने संबंधियों तथा परिजनों के प्रति मोह जाग गया है, ठीक है, तो इस उत्तर के लिए लिख लेंगे। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर चौदहवा, चौदहवें का उत्तर दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के दो तीन हफ्ते इस साल के अंदर ही लेखक की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्य श्री विश्वनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन की श्री रामशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई थी, तो इसका आंसर ये प्रश्न नंबर चौदहवें का है, इसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर पंद्रहवा, यहाँ पर इसका आंसर लिखा है, आप इसके लिए भी नोट करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर है, उसके सामने एक गंभीर समस्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर पंद्रहवा का उत्तर दिया गया है यहाँ पर, दूसरा है भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर दो उत्तर हैं। फिर प्रश्न नंबर सोलहवा है, इसका आंसर भी आपके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि पुत्र शिष्य आदि के प्रति स्नेह व्यक्त करने की दशा में वात्सल्य रस माना जाता है, ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर सोलहवीं का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर सत्रहवा, इसके लिए आप इसका आंसर थोड़ा लेंदी है, इसके लिए आपने ध्यान से करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के मध्य किसी भी प्रकार की तुलना करना बेमानी होगा, इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत चित्रपट संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। इस प्रकार तो इस उत्तर के लिए पूरा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर अठारहवा, इसका उत्तर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसके लिए भी नोट करेंगे। तो यहाँ पर आपके अथवा का उत्तर है प्रश्न नंबर अठारहवें का, ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा उत्तर, इसके लिए लिख लेंगे, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर उन्नीसवा, तो इसमें प्रश्न नंबर उन्नीस में आंसर लिखा है, यह प्रश्न का ही उत्तर है, ब्याज स्तुति अलंकार में निंदा के बहाने सराहना करने का भाव ध्वनि या फिर भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसका उदाहरण है नीचे लिखा गया है, इसके लिए लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर बीसवा, प्रश्न बीस का उत्तर भी है जो कि अथवा का है, ठीक है, इसके लिए भी आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लेंगे। सभी उत्तर आपके लिए यहाँ पर दिखे गए हैं, प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है तो इसके लिए लिख लेंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 22 में से मंगल सरसुमन का आपके लिए भावपक्ष रचना है और कलापक्ष साहित्य में स्थान लिखना है, तो यहाँ पर इनके लिए लिख सकती हैं, विशेषता भाषा शैली है पहले दी गई है। फिर इसके बाद में है ऊषा प्रियंवदा, तो यहाँ पर लिखेंगे इनका जिंदगी गुलाब कितना बड़ा झूठ, ठीक है, ये सब रचनाएं हैं, यहाँ पर भाषा शैली लिखी गई है, इन सभी के लिए लिखते जाना है आपको। ये ऊपर साहित्य में स्थान जो है वो लिखा गया था आपके पहले जो कवि का जीवन परिचय दिखाया गया था, ठीक है, उषा प्रियंवदा की यहाँ पर शैली लिखी गई है, साहित्य में स्थान है, तो ये रहा साहित्य में स्थान, ये रही शैली, तो इसको इतना लिख लेना है शैली में और यहाँ पर ही साहित्य में स्थान लिखा गया है। प्रश्न नंबर चौबीसवा है, यहाँ पर चौबीसवें प्रश्न में भी आपके लिए क्या है, और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो ये रहा आपका मतलब क्वेश्चन, और यहाँ पर इसकी आपके लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी, तो इस आंसर के लिए यहाँ पर नोट करेंगे। बाकी का आपका आगे प्रश्न अगले पेज पे दिया गया है, यहाँ पर ये व्याख्या है, तो इस व्याख्या के लिए लिखना है, ठीक है, ये रही आपकी व्याख्या,
यहाँ पर है आपका काव्य सौंदर्य, ठीक है, या फिर साहित्य में स्थान, तो ये उसका आंसर है, लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करके लिखते जाएँ या तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आता है, यहाँ पे भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो विशेष है वो भी लिखा गया है और व्याख्या भी लिखी गई है। ये रहे आपके प्रश्नों के उत्तर, लिखते जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तक अभी आप तक पहुँच सके, तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, इन सभी के लिए लिखेंगे आप, ठीक है। और ये रहा आपका वो पत्र जो लिखना था आपके लिए, नियमित साफ सफाई ना होने के संदर्भ में, ठीक है, मोहल्ले की नियमित साफ सफाई ना होने के संदर्भ में आपके लिए पत्र लिखना था अपने नगर निगम अध्यक्ष को, तो उसका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका लास्ट में क्या आता है, निबंध, तो आपके लिए कोई भी चार निबंध में से एक को कर लेना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।